फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद रमेश में। आज है 3 अक्टूबर, आज जानेंगे आज से रिलेटेड करंट अफेयर। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वही आपसे पूछा जाए कि 29 सितंबर को कौन से दिवस मनाया जाता है, तो 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। मैंने हाल ही में बताया है विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। वही बात करें 30 सितंबर को कौन से दिवस मनाया जाता है, 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है 30 सितंबर को। वही 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 1 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 1 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। कैसे हो जाएगा? फ्रांस इसका करेक्टनेस हो जाएगा। फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो पेरिस इसका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। और वो कौन से राष्ट्रपति जिसको 1 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा आपको निकोलस सरकोजी। उसका पूरा नाम हो जाएगा, भ्रष्टाचार के आरोप में उसे 1 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किसने LIC के CMD के रूप में पदभार संभाला है? हाल ही में किसने LIC के CMD के रूप में पदभार संभाला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VC पटनायक। क्या हो जाएगा? VC पटनायक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें LIC का स्थापना सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। LIC का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 का स्थापना हुआ था LIC का। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने वाले प्रतिबंध को हटा दिया है? आइए इस पर इसका आंसर जान लेते हैं, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। नेपाल इसका करेक्टनेस हो जाएगा। नेपाल में क्या था कि इसमें बैन कर दिया गया था कि अदर कंट्री वाले जो आएंगे वो अपनी गाड़ी से नहीं आ सकते हैं, ये बैन कर दिया गया था। अब इस बैन को हटा दिया गया है, और ख़ास करके ये किस देश के लिए किया गया था? ये भारत के लिए किया गया था, भारत के नागरिकों के लिए किया गया था। भारत के नागरिक अपने वाहन लेकर वहाँ पर नहीं जा सकता था क्योंकि प्रतिबंध लगाया गया था, उसी प्रतिबंध को अब हटा दिया गया है। बात करें नेपाल का, काठमांडू इसका कैपिटल हो जाएगा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें शेर बहादुर देउबा यहाँ का प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। क्या आंसर हो जाएगा? फेसबुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें फेसबुक की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था फरवरी 2004 में। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फरवरी 2004 में स्थापना हुआ था फेसबुक का। वही बात करें अमेजन का स्थापना हुआ था 5 जुलाई 1994 का स्थापना हुआ था अमेजन का। वही बात करें आपसे ट्विटर का स्थापना हुआ था 21 मार्च 2006 को स्थापना हुआ था ट्विटर का। मैंने सभी ऐप का इसके स्पेशल वीडियो बनाकर हम अपलोड कर चुके हैं, और सभी का फाउंडर CEO इसका स्थापना कब हुआ, कब कैसे क्या हुआ, इसके सभी डिटेल वीडियो में बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग मिस कर गए हैं और नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ जा करके चेक करके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि सभी महत्वपूर्ण ऐप उसमें जानकारी में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, NSDL के CEO एंड MD के रूप में किसने पदभार संभाला है? NSDL के CEO एंड MD के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी चंद्रू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें NSDL की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। NSDL का स्थापना हुआ था 8 नवंबर 1994
छियालीस को, सॉरी 8 नवंबर 1996 को स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 8 नवंबर 1996 को स्थापना हुआ था एनएसडीएल के, एनएसडीएल का। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने 0.06 कम शून्य के साथ नई मुद्रा जारी की है? किस देश ने 0.06 कम शून्य के साथ नई मुद्रा जारी की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें वेनेजुएला की कैपिटल के तो कैरेकस इसका कैपिटल हो जाता है वेनेजुएला का। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे फिर से प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? हाल ही में किसे फिर से के मतलब होता है कि उसे दोबारा चुना गया होगा। हाल ही में किसे फिर से प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ राय कपूर। क्या आंसर हो जाएगा? सिद्धार्थ राय कपूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में पहली खासी महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? किस राज्य में पहली खासी पहली महिला मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। क्या आंसर हो जाएगा? मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मेघालय का कैपिटल शिलोंग इसका कैपिटल हो जाएगा। वही बात करें सीएम का तो मेघालय का सीएम हो जाएगा कैनरॉड सगमा इसका कैपिटल हो जाएगा। सीएम हो जाएगा। गवर्नर की बात करें सत्यपाल मलिक उसका गवर्नर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रुपिंदर पाल सिंह ने खेल से संन्यास का घोषणा किया है, वह किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। वह एक हॉकी के खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश के शोधकर्ताओं ने कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के लिए प्रत्यक्ष उद्घाटन के लिए तकनीकी की विकसित की है? किस देश के शोधकर्ताओं ने कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के लिए प्रत्यक्ष उद्घाटन के लिए तकनीकी विकसित की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत के वैज्ञानिकों ने ये खोज की है। भारत की बात करें तो इसका कैपिटल हो जाएगा न्यू दिल्ली। पीएम हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ये सारी बात आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में एसडीएस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद अग्रवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य में सामाजिक जवाबदेही कानून को पारित कराने के लिए अभियान चलाया गया है? किस राज्य में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। कैंसर हो जाएगा? राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें राजस्थान का तो जयपुर में इसका कैपिटल हो जाएगा। सीएम की बात करें अशोक गहलोत यहाँ का सीएम हो जाएगा। बात करें गवर्नर का कलराज मिश्रा यहाँ का गवर्नर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनील कटारिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर आखिरी का 15 का, हाल ही में पीक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मांधना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए कल का सवाल देख लेते हैं। कल का सवाल जो आप लोगों के लिए था, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया, इसका हम जस्ट इस वीडियो में भी चर्चा की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 सितंबर को। 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस, हार्ट्स डे, ठीक है। आज का सवाल देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणवीर सिंह, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।